क्रिकेट का सबसे शानदार संस्करण आईपीएल एक बार फिर शुरू हो चुका है। कल यूएई में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग के टीम ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से मात दी। इसी जीत के साथ एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग दूसरे से पहले पायदान पर पहुंच गई है। तो आज इस वीडियो में आईपीएल के 14वें संस्करण के दूसरे चरण की मैच की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर बिहार का नेतृत्व करते हुए कोई खिलाड़ी इस शानदार संस्करण में क्यों शामिल नहीं हो पाता है, आखिर क्या वजह है कि बिहार में खेलों को उतना तवज्जो नहीं मिल पाती है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आईपीएल के 14वें संस्करण की दूसरी चरण की पहला मैच कल यानी रविवार को यूएई की धरती पर खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने 20 ओवर में 6 विकेट गवाकर 156 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने स्थिति को संभाला और 58 गेंदों में 88 रन की नवाद पारी खेली। अब मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने 157 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पारी की शुरुआत की। शुरुआत काफी अच्छी रही, लेकिन जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो लगातार गिरता चला गया और अंततः मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। यह तो हुई कल की मैच की बात, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम इस बात को जोर शोर से उठाएं कि आखिर बिहार का कोई भी खिलाड़ी बिहार की तरफ से क्यों नहीं खेलता है, क्यों किसी खिलाड़ी को झारखंड टीम से तो किसी खिलाड़ी को कोलकाता टीम से खेलना पड़ता है, आखिर बिहार में खिलाड़ियों को सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। न जाने महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन और आकाशदीप जैसे कितने ऐसे खिलाड़ी बिहार में होंगे जो अपने सपने को सिर्फ इसलिए उड़ान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारी सरकार और समाज दोनों खेल को तवज्जो नहीं देती है, या हम समाज को इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि बचपन से ही यह सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हमको यह नहीं पता है कि किसने यह पंक्ति लिखी है, लेकिन जिसने भी यह पंक्ति लिखी है उसकी सोच खेल के प्रति बिल्कुल नकारात्मक रही होगी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि बिहार खेल में पहले ऐसा नहीं था, यहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन सरकार और बिहारवासी की ही देन है कि आज बिहार के स्टेडियम में गाय, भैंस और बकरी चरते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी उसमें खेल नहीं पाता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बिहार में फिर से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि इसके लिए बीसीसीआई ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। अंडर 19 के पहले ट्रायल समाप्त होने के बाद 4 और 5 सितंबर को दूसरा ट्रायल किया गया था, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि यह सुर्खियां भी नहीं बना पाई। खबर तो यह भी सामने आई है कि अंडर 19 के ट्रायल से बीसीसीआई संतुष्ट नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार का खिलाड़ी ऐसे ही अन्य राज्यों में जाकर अपना हक का लड़ाई लड़ेगा, या उन्हें अपने राज्य में ही सरकार सुविधाएं मुहैया कराएगी। बिहार का सबसे बड़ा समस्या यह भी है कि हमारे पेरेंट्स खेल को तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि यदि हमारा बेटा या बेटी खेलेगा तो वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम सभी माता पिता से हाथ जोड़कर यह गुजारिश करेंगे कि एक बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के बारे में पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेलकर भी वह मुकाम हासिल किया जा सकता है जो अन्य आईएएस ऑफिसर और इंजीनियर बनकर करते हैं। खैर, अभी आईपीएल पर वापस आते हैं। साथ ही हम यह आपसे वादा करते हैं कि बिहार के खिलाड़ियों के लिए जनता जंक्शन हमेशा आवाज उठाते रहेगी। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला है। आज की मैच की सारी जानकारी के साथ कल आपसे इसी समय मुलाकात होगी। तब तक आप जनता जंक्शन से जुड़े रहे। धन्यवाद।